हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे हाथ में एक वीवो का मोबाइल है। चलिए आपको इस मोबाइल को थोड़ा सा हम ऑन करके दिखा देते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो आप खुद अपनी आंखों से देख ले दोस्तों, कि इस मोबाइल के अंदर में ये पैटर्न लॉक लगा हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मोबाइल को अगर आप अपने हाथों से अगर रीसेट करेंगे, हार्ड रीसेट करेंगे, तो फिर भी इसका पैटर्न अनलॉक नहीं हो पाएगा। और अगर आप यूट्यूब पर अगर वीडियो देखेंगे, इसमें जितनी भी वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी की सारी वीडियो जो है यहाँ पर, ये बिल्कुल फेक है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने हाथों में वीवो Y53 का मॉडल ले लें और उसमें जानबूझ करके आप पैटर्न लॉक लगा दें और उसे फिर हार्ड रीसेट करके देखें, आपका पैटर्न अनलॉक नहीं हो पाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका पैटर्न लॉक अनलॉक कैसे होगा, तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल का जो पैटर्न अनलॉक करेंगे वीवो Y53 का, तो इसे हम अपने मिरेकल बॉक्स से अनलॉक करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले वाला मेथड, पहले वाला तरीका अगर आप अपनाएंगे मिरेकल बॉक्स में, तो आप इसका पैटर्न अनलॉक नहीं कर पाएंगे। इसका जो तरीका है थोड़ा सा यहाँ पे हटके है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लें, पूरी देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मिरेकल बॉक्स जो है ओपन हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पैटर्न अनलॉक करने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल को ऑफ करना होगा। मोबाइल को जब आप ऑफ करेंगे, उसके बाद आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों को आपको एक साथ प्रेस करना है और डाटा केबल आपको लगा देना है। और जैसे आप डाटा केबल लगा देंगे, आपके डिवाइस मैनेजर में जो QD लोडर 9008 वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको वेलकम टूल पे चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है और पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो मेथड सेलेक्ट करना है वीवो Y53, ठीक है। ये मेथड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीड फ्लैश फॉर्मेट पे आपको आना है। रीड फ्लैश फॉर्मेट पे आने के बाद आपको यहाँ पे, आप नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पे आपको चेक लगाना है। उसके बाद आपको स्टार बटन पर क्लिक करना है और स्टार बटन पर आप क्लिक करेंगे, फिर भी इसका पैटर्न अनलॉक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो पुराना मेथड है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि आपको पैटर्न अनलॉक कैसे करना है। तो पैटर्न अनलॉक करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ सबसे ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दूं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑटो का चेक आपको हटा देना है। और ऑटो का चेक हटा करके आप जैसे ही यहाँ पे स्टार बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका पैटर्न जो यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पैटर्न यहाँ पे अनलॉक हो चुका है पूरी तरह से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।